हेलो एंड वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग वेलकम बैक टू दी सिविल इंजीनियरिंग विद एमएसए इंप्रूव योर नॉलेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लैब जॉइंट का। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग ऑफ बट जॉइंट एज पर आईएस 800 2007। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए, जब आपके सामने इस तरह का सवाल आएगा तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा क्वेश्चन से बात, और जब आप बात करिएगा तो क्वेश्चन आपको क्या करेगा, सामने से जवाब देगा। तो देखिए बात करते हैं, भाई तू चाहता क्या है, तो ये आपसे ये चाहता है कि आप डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए और साथ में इफिशियंसी कैलकुलेट कीजिए। अब जैसे ही इसने कहा डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपको बोल्ट को चेक करना है शेयरिंग और बियरिंग में, और प्लेट को चेक करना है टीयरिंग में, और इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो आपका हो जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ। अच्छा, जैसे इफिशियंसी इसने कहा तो डिजाइन स्ट्रेंथ आपने निकाल लिया है, डिवाइडेड बाय आप क्या कीजिएगा, प्लेट का जो ग्रॉस प्लेट का जो स्ट्रेंथ है उससे जो है वो क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, इनटू 100 कीजिएगा, तो इफिशियंसी आपके पास निकल जाएगी। ये तो रही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात, लेकिन इतना करने के लिए इसने दिया क्या है, तब ये आपसे कहेगा कि आपको एक फिगर दे रखा है इसने और साथ में कुछ जो है डेटा दिया है। पहले डेटा पे नजर डाल देते हैं, क्या क्या इसने दे रखा है कि बोल्ट का ग्रेड इसने बता रखा है कि 4.6 है, बोल्ट का डायामीटर 20 mm है, और प्लेट का जो ग्रेड दे रखा है वो कितना दे रखा है, 410 दे रखा है। और फिगर में इसने क्या दे रखा है, फिगर में दे रखा है कि मेन प्लेट जो है इसकी थिकनेस कितना है, 12 mm है। यहाँ पर जो भी डायमेंशन लिखे हुए हैं सारे mm में है। अच्छा, कवर प्लेट जो है वो 8 mm का है। अच्छा, उसके बाद एक प्लान बना रखा है जिसमें इसने बता रखा है, क्या क्या बता रखा है, सारा तो इसने बता ही दिया कि जो पिच है वो 65 mm है, गेज जो है वो कितना है 120 mm है, और इंड और एज डिस्टेंस आपके पास कितना है 35 mm है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तब बात बिल्कुल हमारे समझ में आ जाएगी, और सॉल्व करने के लिए हमको करना वही है, क्या करना है भाई, कि मेरा दिखना उतना जरूरी नहीं है जितना क्वेश्चन का दिखना, तो मैं खुद को कर लूँ यहाँ से गए। अब देखिए सवाल पर आते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है और इसने दे क्या क्या रखा है। जो इसने गिवन दे रखा है, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे कि अपने हिसाब से यहाँ पर सजा लेंगे। तो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इसने क्या दे रखा है, भाई बोल्ट का ग्रेड है ना, तो फोर 4.6 ग्रेड बोल्ट। आपको क्या पता है एफ यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ यू बी की वैल्यू आपके लिए हो जाएगी यहाँ पर 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, और ये बात ऐसी नहीं है कि आप जो है वो हवा में कह रहे हो, ये बात आप कह रहे हो बड़े जिम्मेदारी से, और ये बात आती कहाँ से है, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि सारे जो इमेजेस हैं उसको मैं लगा दूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अभी तक IS कोड नहीं है ना, तो आप IS कोड जो है वो उसको ले लें, ठीक है, और अपने जो IS कोड है उसमें जितने बता रहा हूँ उन सब जगहों को, उन सब क्लॉज को मार्क कर ले, उससे क्या होगा आपको बड़ा फायदा मिलेगा। ये आपको टेबल नंबर 1 पर मिलेगा, पेज नंबर 13 में ये चीज़ आपको मिल जाएगी कि ग्रेड के हिसाब से अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, और सीरियल नंबर भी बता देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, सीरियल नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक बार पूरी सारी चीज़ों को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है ना, तो थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए, उसके बाद आपको दे रखा है इसने क्या क्या दे रखा है जी, डाया ऑफ बोल्ट। डाया ऑफ बोल्ट आपको दे रखा है इसने 20 mm, तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, डाया ऑफ होल इज इक्वल्स टू 20 + 2, और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 आया IS कोड से, है ना, 22 mm, ठीक है। पहले सारे चीज को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ से आया। उसके बाद देखिए, गामा MB तो आपको पता ही है, गामा MB कितना हो जाएगा 1.25 मटेरियल के लिए, है ना। अच्छा, उसके बाद आपको एक बात और यहाँ से आप निकाल सकते हो, वो क्या निकाल सकते हो कि FU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 410 ग्रेड का है तो भी सीधी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, आपके पास पिच कितना है, ये गिवन है ना, आप कैलकुलेट तो करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, 65 mm। अच्छा, उसके बाद आपकी आपको और एक चीज़ चाहिए होगा, वो क्या चाहिए होगा, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 35 mm, ठीक है। अब जरा से ये बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो चीज़ें आपको मैं कह रहा हूँ ये आई कहाँ से है ना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा इसको ढूंढना, है ना। जो डायामीटर डाया ऑफ होल है वो बताता है हमको IS कोड में क्लॉज नंबर 10.2.1, टेबल नंबर 19 है इसका, पेज नंबर 73 में आप चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा, गामा MB की वैल्यू आप जो निकाल रहे हो ये कहाँ से आएगा, टेबल नंबर 5 में आप देखिएगा, पेज नंबर 30 में आपको ये चीज़ दिख जाएगा, ठीक है।
अच्छा पिच तो इसमें निकालना नहीं है, एंड डिस्टेंस इसने दे रखा है, यानी कि हमारा आधा से ज्यादा काम हो गया। अच्छा डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन के बीच में, ये भी जरा एक समझने लायक बात है ना कि दोनों क्वेश्चन के बीच में आके डिफरेंस क्या है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो देखिए इसके एक छोटे से डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और अगर आपने इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसको डाल दूंगा, आप पहले उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपको बात समझ में आए, है ना। देखिए ये अगर कोई मेरे पास बोल्ट है ना, और ये डबल कवर बट ज्वाइंट का केस है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और एक यहाँ से यानी नंबर ऑफ प्लेट, यहाँ भी देखिए नंबर कितना हो गया, 1, 2 एंड 3, है ना, यहाँ पर डायग्राम में बड़ा साफ साफ ये बात दिया हुआ है। अच्छा अगर इस बोल्ट को बियरिंग और शेयरिंग में जाना होगा तो ये देखिए बोल्ट कहाँ से ये टूटना चाहेगा, अगर शेयरिंग की बात करूँ तो यहाँ से टूटेगा, अच्छा यहाँ से भी तो टूट सकता है ना, जहाँ जहाँ पर जंक्शन मिल रहा है वहाँ से टूट सकता है, यानी कि इस केस में हम आप क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयरिंग एंड बियरिंग प्लेन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बियरिंग प्लेन भी कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी दो प्लेन में जो है वो शेयर और बियर बोल्ट आपको दिखाएगा। उसके बाद इस डायग्राम में और एक बात आपको समझ में आ रही है कि सिर्फ इस प्लेट के लिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ बोल्ट कितने लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को और अच्छी तरह से शेयरिंग और बियरिंग में जरा सा चेक कर ले, है ना, क्योंकि फाइनली हमको तो चेक ही करना होता है। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख देना होगा, क्या लिख देना होगा कि फोर, क्योंकि उसने क्या कहा है आपको डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना ना, फॉर फाइंडिंग डिजाइन स्ट्रेंथ, क्या करना होगा, वी फाइंड क्या क्या करेंगे जी, पहला नंबर हम लोग काम करेंगे चेक करेंगे शियर, दूसरा काम क्या करेंगे बियरिंग, और तीसरा हम लोग काम क्या कर सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं टीयरिंग ऑफ प्लेट, है ना, टीयरिंग, ठीक है, टीयरिंग स्ट्रेंथ, और जो तीनों में मिनिमम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे अपने डिजाइन स्ट्रेंथ के तौर पर लिख लेंगे। अच्छा तो अब इसी में हम लोग क्या करें, सबसे पहला काम कर दे, क्या काम कर दे भाई, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाल देते हैं ना, शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। देखिए जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो काम किया था ना उससे मिलता जुलता ही हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ नया काम करेंगे, ठीक है, बस चेंज क्या हो रहा है वो जब अभी हम निकालेंगे तब आपको मैं बताता हूँ चेंज क्या हो रहा है। और अच्छा ये शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए आपको जो भी फॉर्मूला वगैरह है या जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर जी, क्लॉज नंबर 10.3.3 में, ठीक है, जिसका कि पेज नंबर है कितना 75, बड़ा बढ़िया। अब देखिए हमको फॉर्मूला क्या दे रखा है आईएस कोड ने फॉर्मूला दे रखा है VDSB, ठीक है, VDSB इज इक्वल टू क्या है VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB, यही तो फॉर्मूला था मेरे पास ना, VNSB क्या था भाई, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बड़ा डिटेल में लिख लिख करके देखा था, है ना, आज हम लोग उतने लिखने पर नहीं जाएंगे, आज हम लोग सिर्फ सॉल्व करने पर ध्यान देंगे। और VNSB का फॉर्मूला क्या दे रखा था कोड ने, VNSB का फॉर्मूला दे रखा था FUB डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू NNANB प्लस NSASB, यही दे रखा था। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे डायरेक्ट निकाल करके दिखाइए क्या VDSB, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहिएगा कि सर बड़ा आसान हो जाएगा काम, FUB डिवाइडेड बाई गामा MB अंडर रूट 3 NNANB प्लस NSASB, दोनों फॉर्मूला को मैंने मिला दिया है ना। अब हम लोग आगे जो काम करेंगे इसी तरह से करेंगे ताकि थोड़ा सा क्या हो हमारा टाइम बच जाए बिल्कुल, है ना, थोड़ा आसानी से हो जाए काम। और अब इसको जरा से निकाल लेते हैं, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि NN हमको फाइंड आउट करना होगा और NS फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था जी, आपको पहले बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप करिएगा एज्यूम। तो हम लोग भी एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि देखिए बोल्ट के बारे में हमको नहीं दिया हुआ है कि जो शेयरिंग और बियरिंग प्लेन आ रहा है वो प्लेन शंक में आ रहा है या थ्रेडेड पार्ट में आ रहा है। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो थ्रेड है ना उसी थ्रेड पर शेयरिंग और बियरिंग हो रहा है, यानी दोनों का दोनों शेयरिंग प्लेन और बियरिंग प्लेन किस में है, वो थ्रेडेड पोर्शन में है, यानी प्लेन शंक में होगा नहीं। तो इसको लेकिन लिखना पड़ेगा, बिना लिखे हुए काम नहीं होगा, तो हम लोग एज्यूम करेंगे, है ना, एज्यूम that
the threads of the bolt fall in the शीयर प्लेन। ठीक है, यहां से हमारे पास बिल्कुल काम हो गया, यह आपने एज्यूम कर लिया। जब आपने एज्यूम कर लिया, इसका मतलब क्या है कि ns इज इक्वल टू तो जीरो हो जाएगा और nn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो, क्योंकि प्लेन कितना है हमारे पास, दो प्लेन है, यानी नंबर ऑफ शीयर प्लेन हमारे पास कितना है, दो है। तो यानी आपके पास, अब जरा देखिए कि टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स इन डायग्राम, देखिए टोटल नंबर ऑफ बोल्ट इन डायग्राम, जरा सा हम लोग डायग्राम में एक प्लेट के लिए ही देखेंगे, है ना, हमारे पास जो एक प्लेट है हम उसी में देख लेंगे कि नंबर ऑफ बोल्ट कितना आ रहा है मेरे पास। देखिए नंबर ऑफ बोल्ट कितना है, 1 2 3 4, चार बोल्ट है एक प्लेट में। ठीक है, अब हम लोग इसी को लेकर के जरा सा आगे बढ़ जाए कि नंबर ऑफ बोल्ट एक प्लेट में कितना है, चार है, तो नंबर ऑफ बोल्ट इन डायग्राम हमारे पास कितना हो गया, नंबर ऑफ बोल्ट इन डायग्राम इज इक्वल टू 4। यानी कि अब हमारे पास जो टोटल nn की वैल्यू आएगी वो nn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। अब जरा हम लोग क्या कर दें, अब हम लोग जरा a n b को फाइंड आउट कर लेते हैं। a n b इज इक्वल टू कितना था, 0.78 × π/4 × d² ठीक है, यानी 0.78 × π/4 × 20² इज इक्वल टू, ये जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो आपके पास आएगा 244.92 mm². ठीक है, यानी अब जो हमको फॉर्मूला उसने दे रखा था क्या, VDSB का, है ना, जो डिजाइनिंग हम लोग को शियर स्ट्रेंथ निकालना था, उसका जो फॉर्मूला हमको दे रखा गया था वो क्या फॉर्मूला था, अभी अभी मैंने आपको लिख के बताया था, FUB गामा MB अंडर रूट 3 इंटू NN ANB प्लस NS ASB। यहां पर देखिए एनएस तो क्या है आपके पास, एनएस की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा भाई, जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो सारे जो वैल्यू आपने अभी तक निकाले हैं इसको जरा उठा करके इधर पटक देते हैं बड़े प्यार से, तो 400 डिवाइडेड बाय 1.25 अंडर रूट 3 इंटू, यहां आपने कितना निकाला है, 8, है ना, 8 इंटू 244.92 प्लस 0 × ASB, चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो VDSB की वैल्यू जो है वो आपको निकल करके आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 361995.84 न्यूटन। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करके रख लेते हैं ना, कितना हो जाएगा, 361.99 किलो न्यूटन। देखिए शेयरिंग में हमारे पास क्या आ गया, शेयरिंग में हमारे पास आ गया वैल्यू, किसका है ये वैल्यू है आपका VDSB का। इसको मार्क करके इस तरह से, बहुत प्यार से तो नहीं हो पाया लेकिन फिर भी इसको मार्क करके हम लोग इस तरह से रख लेते हैं। अब जरा नेक्स्ट काम करते हैं, नेक्स्ट काम आप लोगों को पता है दूसरा काम क्या करेंगे, अब तो यार याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, बियरिंग निकालेंगे, है ना, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए आपको कहाँ जाना होगा जी, क्लोज नंबर 10.3.4 पेज नंबर, ये तो बस आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ ना, आप लास्ट वाला जो है न्यूमेरिकल देखिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, बड़ा प्यार से लिख लिख के बताया था मैंने कि इस तरह से लिखना है एज पर IS 800/2007, है ना। देखिए आपको क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट इन बियरिंग इज गिवन बाय VDPB इज इक्वल टू VNPB डिवाइडेड बाय गामा MB। अच्छा, ये VNPB के लिए भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, कुछ भी तो याद नहीं रखना है, जो कुछ दिया हुआ है उसको ला करके यहाँ पर पटकते रहना है। VNPB इज इक्वल टू उसने बताया कितना कि 2.5 kB dT fu, यही तो फॉर्मूला है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखना होगा कि kB इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको kB के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है कि kB जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, किसमें होगा, तो देखिए चार बातें कहेगा अब यहाँ पर, जैसे चार लोग बातें करते हैं उसी तरह से चार बातें अब यहाँ पर हो जाएंगी, E डिवाइडेड बाई 3D0। तो भाई E तो आपने निकाल ही रखा है, E इज इक्वल टू कितना था आपके पास, 35
थ्री इंटू डी नॉट यहाँ पर क्या है डायामीटर ऑफ द होल, तो 22 इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.53 आएगा, ठीक है। दूसरा ये बात कह रहा है, मैंने कहा ना चार बातें होंगी, इसमें से ये दूसरा बात है, पी डिवाइडेड बाई 3D0 माइनस 0.25। जब मैं एग्जाम दे रहा था ना ये 0.25 भूल गया था, बड़ा दिक्कत हुआ था। 65 डिवाइडेड बाई पीच तो 65 है, 3 इंटू 22 क्योंकि यहाँ भी क्या है डायमीटर ऑफ द होल है, माइनस 0.25 इसको भी जरा प्यार से सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 0.73। अच्छा अब तीसरी बात क्या कहेगा, तीसरी बात ये कहेगा आपसे कि आप अब निकालिए एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना ए नंबर पे ही जो है हमारा काम बन जाता है, लेकिन अब चूंकि कोड ने कह रखा है तो आपको निकाल के तो दिखाना ही पड़ेगा ना, मानेगा थोड़े। 400 डिवाइडेड बाई 410 तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.92। और चौथी बात जो कह रहा है आपको, देखिए कितनी विचित्र बात कही है कि एक से किसी भी हाल में कम होना चाहिए, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको आपको लेना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट आपको दिख रहा है क्या 0.53, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी केबी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब दूसरा हमारे पास एक समस्या है कि थिकनेस कितना होगा, क्योंकि पहले जो हम लोग यूज़ करते थे ना वो तो पहले हम लोग यूज़ करते थे क्या लैब जॉइंट, इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं थी, लेकिन डबल कवर बड जॉइंट में हमारे पास दो चीज़ है, क्या क्या है देखिए जरा मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ है। पहली चीज़ तो है हमारे पास ये देखिए मेन प्लेट और ये दूसरी है क्या कवर प्लेट, तो आपको कहा जाएगा कि थिकनेस आप ऐसा लीजिए जो कि स्मॉलेस्ट हो ना कम हो। तो आप अगर ऐसे दिमाग से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये 8mm जो है वो लिस्ट है और इसी को ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोड ये कहता है कि थिकनेस कम होना चाहिए, आपको किस तरह से चेक करना होगा कि सम ऑफ दी कवर प्लेट, अब देखिए जरा सम ऑफ दी कवर प्लेट क्या होगा, यहाँ 8mm और यहाँ पर क्या होगा 8mm, 8 को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16mm। तो अब ये बताइए आप 16mm ज़्यादा है या 12mm ज़्यादा है, तो आप कहिएगा सर 16mm ज़्यादा है। तो जब 16mm ज़्यादा है तो आपको लेना क्या होगा यहाँ पर थिकनेस, यहाँ पर आपको थिकनेस ले लेना होगा 12mm, ठीक है, यानी जो मेन प्लेट का थिकनेस है वही आपको टी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा सा इसको देखिए, बड़ा आसान हो जाएगा, के भी तो आपने निकाल ही लिया है, अब आपको क्या काम करना है, अब आपको निकालना है यहाँ पर थिकनेस, तो टी मैं लिख देता हूँ क्योंकि लैब जॉइंट में तो ऐसा कुछ था नहीं, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट अमोंग सम ऑफ कवर प्लेट एक सेकेंड जरा लिखने में थोड़ी थोड़ी परेशानी कभी कभी हो जाती है, कवर प्लेट और मेन प्लेट, ठीक है ना। यानी यहाँ पर बात क्या आपको क्या कहा जा रहा है जरा सा देखिए, फिर से इसको मैं न्यूमेरिकली जरा सा लिख करके देखो, तो 2 इंटू कवर प्लेट थिकनेस ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 8 जो आपको अभी अभी मैंने बताया 16mm। अच्छा और आपके पास दूसरी बात क्या है, आपकी दूसरी बात है मेन प्लेट थिकनेस इज इक्वल टू क्या है आपके पास 12mm, तो दोनों में लिस्ट कौन सा है 12mm, तो यही आपको ले लेना है। तो आपके पास अब टी की वैल्यू भी निकल करके आ गई, सो यहां पर लिख दीजिए, सो टेक टी इज इक्वल टू 12mm। इस तरह से लिख लिख करके अगर एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा ना एग्जामिनर बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा फिर चेक करने के लिए। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, VnPb इज इक्वल्स टू, फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं ना, 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू, तो सारे वैल्यूज को उठा करके पटकते हैं, 2.5 आपने के बी अभी भी निकाला था सबसे कम वाला 0.53, है ना। उसके बाद आपके पास और एक वैल्यू आई थी, क्या आई थी भाई डी की 20mm डायामीटर ऑफ द बोल्ट, थिकनेस अभी अभी आपने बताया 12mm, सब तो आप ही बता रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना, बड़ा आसान सा होता है। तो यहाँ पर आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से आएगी 130380 न्यूटन। लेकिन आपको कहता है कि आपको निकालना क्या था डिज़ाइन जब निकालना था इसका मतलब क्या है, यहाँ VD PB कर दीजिएगा, VD PB इक्वल टू क्या हो जाएगा VnPb
पी बी डिवाइड बाई गामा एम बी, नाम इस तरह से कोड ने रखे ना, लगता नहीं है कि ये फॉर्मूला है, लगता है राक्षस है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपने वैल्यू निकाला है ना 130380 डिवाइडेड बाई गामा एम बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.25। बड़े आसानी के साथ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 104304 न्यूटन, ठीक है ना। लेकिन एक बात जरा सा गौर कीजिएगा, अभी तक हमने इसको क्या है किसी से गुना किया है क्या, तो ये निकल करके आ रहा है 41, ऐसे भी लिख देते 41 बोल्ट। लेकिन आपको कितने बोल्ट के लिए चाहिए, आप तो 4 बोल्ट के लिए निकाल रहे हो ना, एक प्लेट पे आपने 4 बोल्ट लगाया है तो आप तो 4 बोल्ट के लिए निकाल रहे हो। तो यहां पर जरा सा एक हम लोग और काम कर देंगे, क्या करेंगे कि यहां पर लिख देंगे 4 नंबर ऑफ बोल्ट, क्या हो जाएगा जी, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करेंगे क्या, ना ना बड़ा छोटा सा काम करेंगे, 4 × 104304 = हो जाएगा आपके पास 417216 न्यूटन। देखिए 4 नंबर ऑफ बोल्ट के लिए तो ये आ गया, यानी अब आपके पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ इन बेयरिंग आएगा यानी वी डी पी बी कितने के लिए, 4 बोल्ट के लिए कितना आ जाएगा। आप क्या करिएगा भाई, इसके लिए बहुत बड़ा सा एक कैलकुलेशन करिएगा जिसका नाम क्या होगा, इसको गुना कर दीजिएगा। कोई बहुत बड़ी बात है क्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गुना करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आया था वो कितना आया था 417216 न्यूटन, इसको जरा किलो न्यूटन में लिखेंगे तो हो जाएगा 417.21 किलो न्यूटन, ठीक है। ये एक आपके पास वैल्यू आ गई किसमें, बियरिंग में आ गई, ठीक है। अब हम लोग तीसरा काम करेंगे, तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे जी, तीसरा काम हम लोग करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे प्लेट को टेंशन में यानी टियरिंग में। तो तीसरा काम करने के लिए जरा सा तीसरा वाला नंबर भी लगा देते हैं हम लोग, तीसरा नंबर हम लोग काम क्या करेंगे, टेंशन कैपेसिटी ऑफ मेन प्लेट, ठीक है, यानी टियरिंग, ठीक है। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं भाई, इसको कोड ने लिखा है टी डी एन से, ठीक है। अच्छा ये आप जब ढूंढने जाइएगा तो आपको मिलेगा ये क्लॉज नंबर कहाँ पर मिल जाएगा बता दे रहा हूँ, 6.3.1, इतना हम लोग सॉल्व करेंगे कि याद ही हो जाएगा बेचारा। पेज नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, पेज नंबर हो जाएगा 32 में, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी 33 में, क्योंकि आपको वो एरिया वाला फॉर्मूला मिलता है, याद आ रहा है थोड़ा लास्ट क्लास वाला बात जो हम लोगों ने किया था। तो देखिए कोड हमको क्या कहता है कि टी डी एन आपको जो निकालना है, टी डी एन के लिए फॉर्मूला दे दिया जाए कि 0.9 × AN f(u) डिवाइडेड बाई गामा एम1, ठीक है। अब जरा सा हम लोग देखें इसमें कि ए एन क्या है, तो वो क्या है भाई, नेट इफेक्टिव एरिया। तो ये चेन बोल्टिंग के केस में, लास्ट क्लास में पूरा लिख करके बताया था आपको ना मैंने, कि चेन बोल्टिंग के केस में ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। तो जरा इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करें, काम कर ले, क्या काम करें कि पहले देख ले बी कितना हो जाएगा, बी विड्थ ऑफ द प्लेट है ना, तो विड्थ ऑफ द प्लेट कैसे करके निकलेगा, विड्थ ऑफ द प्लेट निकालने के लिए आपको फिर जो है वो डायग्राम में ही जाना पड़ेगा। देखिए विड्थ ऑफ द प्लेट कैसे निकलेगा, ये 35 दे रखा है आपको, यहाँ देखिए ये 35 दे रखा है, ये 120 दे रखा है, आप क्या कीजिए कि सबको जोड़ दीजिए। अच्छा दूसरी बात यहाँ से और कर लेते हैं कि जब भी बोल्ट को टूटना होगा तो वो क्या करेगा भाई, यहाँ कहीं से टूटेगा तो यहाँ नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस देखिए मेन प्लेट का कितना है, मेन प्लेट का थिकनेस जो है वो 12 mm है। तो यही सारे बातों को हम लोग क्या करेंगे, यही सारी बातों को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर रखने के बाद बड़ा आसानी के साथ हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, है ना, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 35 + 120 + 35 = कितना हो जाएगा जी, 190 mm, ठीक है। और क्या चीज़ें चाहिए हमको, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बोल्ट, अभी बताया आपको बोल्ट्स, ठीक है। और एक चीज़ है टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 mm। तो आपको अब क्या करना है, फिर से वही बात कि इन सारे वैल्यू को उठा करके बड़े प्यार से आपको पटक देना है, कहाँ पटक देना है, फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में जब पटकिएगा तो आपको फॉर्मूला क्या दे रखा है, ए एन का बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी, यहीं पर रख देते हैं ना। तो कितना हो जाएगा देखिए जरा, बी की वैल्यू है 190 - 2 × 22, क्योंकि डी नॉट क्या है आपका, डायामीटर ऑफ दी होल है ना, इंटू 12। तो ए एन यहाँ से आपको निकल करके आ जाएगा, ए एन की वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू आ गया आपके पास 170.1752 mm का स्क्वायर, है ना, यूनिट लिखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा टी डी एन के लिए फार्मूला हमको क्या दे रखा है, कोड ने दे रखा है 0.9 AN FU / γm1,
तो जरा इसी फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं, तो 0.9 इंटू एन कितना आया, 1752 इंटू एफ यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 410 डिवाइडेड बाई गामा एम हमारे पास कितना है, 1.25। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आप कितना आ जाएगा, 1517190.4 न्यूटन इतना आ जाएगा। यानी कि TDN की वैल्यू आपके पास कितनी निकल करके आ जाएगी, किलो न्यूटन में अगर मैं लिखूं तो 517.19 किलो न्यूटन। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोगों को करना क्या होगा, अब हम लोगों को करना ये होगा कि कंपेयर करना होगा जी कि तीनों में लिस्ट कौन कौन सा है ना। देखिए, आपने जो निकाला, मैं सारे वैल्यू को अगर एक जगह लिखूं तो इससे समझ में आ जाएगा, VDSB आपने निकाला, VDSB की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 362.17 किलो न्यूटन। उसके बाद आपने दूसरा काम किया, क्या काम किया जी, VDPB निकाला, VDPB इज इक्वल टू, अरे मान जा, हाँ VDPB निकाला, VDPB की वैल्यू कितनी आई आपके पास, देख इधर, हाँ मानेगा कैसे नहीं, VDPB की वैल्यू कितनी आई, 417.21 किलो न्यूटन। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने क्या निकाला, तीसरे नंबर पर आपने निकाला TDN इज इक्वल टू कितना आया आपके पास, 517.19 किलो न्यूटन। तो देखिए, इन तीनों में सबसे लिस्ट कौन सा है, ये तीनों में सबसे लिस्ट है आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यानी आपका डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट पेज में आप लिखिएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूं यहां पर स्टार मार करके, कि नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन इज स्मॉलेस्ट ऑफ किसका, बियरिंग एंड टीयरिंग। ठीक है, तो आपके लिए अब क्या हो जाएगा, सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, इसको मैं लिख दूं क्या, VDC, कोई दिक्कत की बात, VDC डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना आपके पास हो जाएगा जी, 362.17 किलो न्यूटन। देखिए, एक चीज आपने सॉल्व कर लिया जो क्वेश्चन में मांगा था ना, पहला आपके पास में आंसर आ गया। ठीक है, कि डिजाइन स्ट्रेंथ आपको निकालने के लिए कहा गया था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन आपने निकाल लिया। अब दूसरी बात निकालते हैं, दूसरा क्या कहा गया था हम लोगों को करने के लिए, कि आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है ना, तो हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कि एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, कि डिजाइन स्ट्रेंथ तो आ ही चुका है ना, अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे पास। देखिए, यहां लिख देते हैं एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शन, ये कितना हो जाता है जी, VDC डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन डिवाइडेड बाई, क्या लिखना पड़ता है हम लोग को, डिजाइन स्ट्रेंथ, क्या चीज का, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100%, यही तो बात है। अच्छा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट को ऐसे लिख सकते हैं, TSP, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो देखिए, TSP वो वाला TSP नहीं है जो सोच रहे हो, TSP इज इक्वल टू क्या होगा, 0.9 इंटू AG इंटू FU डिवाइडेड बाय गामा एम। तो देखिए, यहां पर AG क्या है, ग्रॉस एरिया ना, तो AG इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, B इंटू T कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो B इंटू टी जब करेंगे तो 190 इंटू 12 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, 2280 mm का स्क्वायर एरिया है ना, तो mm का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब ये चीज आ गई तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ TSP निकाल सकते हो। तो TSP निकालने के लिए हम लोग क्या करें, लिख दे पहले TSP इज इक्वल टू 0.9 इंटू, आपने अभी क्या निकाला, AG कितना है, 2280 इंटू 410 FU की वैल्यू डिवाइडेड बाई गामा एम, आपको कितना पता है, 1.25।
तो जरा इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 673056 न्यूटन। इसको कन्वर्ट कीजिए जरा किलो न्यूटन में, क्योंकि सारा काम किलो न्यूटन में, तो 673.05 किलो न्यूटन। तो अगर ये आपके पास आ गया तो अब आप बड़ा आसानी से क्या निकाल सकते हैं जी, अब आप बड़े आसानी से इफ़िशियंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, VDC डिवाइडेड बाई TSP इंटू 100। तो जरा अब इसको लिख लेते हैं, VDC आपने कितना निकाला है, VDC आपने फाइंड आउट करके रखा है ना भाई, 362.17। अच्छा TSP आपने कितना निकाला है, 673.05 इंटू कर देंगे 100, परसेंटेज अभी से ही लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी 53.81%। ये आ गई आपकी इफिशियंसी, है ना। तो ये आज का पूरा हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जरा खुद को ले आए थोड़ा। हाँ, तो ये आज हम लोगों ने क्या किया, डिजाइनिंग ऑफ बट ज्वाइंट पर एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, पहले ही मैंने आपको कहा है कि हम लोग इतने टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे वीडियो सीरीज में, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन से रिलेटेड। आप जो है इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, अपने कोड बुक पे जो हम लोगों ने क्लॉज यूज़ किए हैं उसको मार्क कीजिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला वाला न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया गया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1, उसको आप जरूर से देखिए, क्योंकि उसको बहुत जो है डिटेल में मैंने बनाया था, ताकि बातें समझ में आए। और आप क्या कीजिए, नोट कीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। तब तक आप बिल्कुल आसानी के साथ आराम से जो है पढ़ते रहिए। और आपको एक काम करना है, क्या काम करना है जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए ना टाइम से। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी कुछ मजा आए पढ़ने में। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बस पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है और अपनों का ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।